नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज चढ़ैल, चंबल बैंकी से आप सबके बीच कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु संरचना की अध्ययन हेतु व्याख्यान 5 के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछले व्याख्यानों में हमने परमाणु से संबंधित, परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न विषय वस्तुओं का अध्ययन किया, जिनमें प्रमुखतः हमने आधुनिक परमाणु मॉडल का अध्ययन किया, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग तटस्थ पर आधारित है, जिसमें हमने कोष, उपकोष और कक्षकों की जानकारी प्राप्त की। कक्षक आकृति के वे कैसे होते हैं, कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, एसपीजीएफ कक्षक कैसे होते हैं और कितने प्रकार। आज के इस व्याख्यान में हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का और अधिक ज्ञान कराने वाली क्वांटम संख्याओं का अध्ययन। तो आइए अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करती हैं। ये वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को निरूपित किया जाता है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ये क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की हो सकती हैं, चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक मुख्य क्वांटम संख्या, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथी चक्र क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। आज के इस व्याख्यान में हम इन क्वांटम संख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे एन से निर्दिष्ट किया। सबसे पहले अध्ययन करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जैसा कि हम जान चुके हैं, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और चक्कर की दिशा को निरूपित करती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की जब बात करते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ये नाभिक है, इससे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ की दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर जिसमें वह स्थित है, वो उसकी ऊर्जा को व्यक्त करती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। देखिए मुख्य, इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। बोर ने इस मुख्य क्वांटम संख्या की खोज की। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणाभिसरित होते हैं और ये नाभिक धनाभिसरित होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास वाली कक्षा में स्थित होता है तो उस पर अधिक आकर्षण बल कार्य करता है, तो उसकी ऊर्जा कम होती है, कारण उसे अपनी कक्षा में रहने के लिए प्रबल आकर्षण बल के से जब कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है। जब वह इस आकर्षण बल से दूर की ओर दूसरी कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, कारण कि वह अधिक ऊर्जा के कारण ही दूसरी कक्षा में स्थित रह पाता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में जाने पर उसकी ऊर्जा और अधिक, और चौथी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और सबसे अधिक हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को हम क्रम से 1, 2, 3, 4 से प्रकट कर सकते हैं, अर्थात एन के मान, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के मान कोषों पर के एलिमेंट पर निर्भर करते हैं। यदि के कोष है तो एन आवर 1, एल है तो एन आवर 2, एम है तो एन आवर 3 और एन है तो मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान 4 होता है। हम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का पता इस क्वांटम संख्या के आधार पर लगा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि चौथी कक्षा में है तो एन बराबर यहाँ 4 है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चौथे ऊर्जा स्तर में है, तो एन बराबर 4 हो गया। त्रिज्या के लिए यह सूत्र होता है कि आर बराबर 0.529 गुणित एन स्क्वायर फिक्स है। तो यहाँ पर एन का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या और जेड का अर्थ है परमाणु का मान। इस प्रकार हम आर का मान क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिससे नाभिक से इसकी औसत दूरी अर्थात त्रिज्या पता चल जाती है, मुख्य ऊर्जा स्तर पता चल जाता है एन के मान से। यदि एन बराबर 4 है तो हम जान जाएंगे ऊर्जा स्तर 4 है। इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या कोष और ऊर्जा स्तर को और नाभिक से औसत दूरी को पता चलती है। अब देखेंगे द्विगंसी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद हम अध्ययन करते हैं द्विगंसी क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष की आकृति,
उसकी कौनीय संवेग का निर्धारण करती है, इलेक्ट्रॉन के कौनीय संवेग का निर्धारण करती है और उपकोष और उपकोष की आकृति को निर्धारित करती है। इसे सोबर फील्ड ने प्रस्तावित किया और इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। बिगेंसी क्वांटम संख्या एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन के मान पर निर्भर करता है, जो भी हमने पिछले जिसे वस्तु के रूप में अध्ययन किया था मुख्य क्वांटम संख्या का जो कोष के मान को निर्धारित करती है एन के मान पर इस बिगेंसी क्वांटम संख्या एल का मान निर्भर करता है। एल के कुल मानों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या एन के मान के बराबर होती है। एल के कुल मानों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एल के बराबर होती है और एल के संभावित मान जीरो से एन माइनस वन तक होते हैं। अर्थात अगर ऐसे देख लें कि एन बराबर चार हो तो एल बराबर होगा जीरो से चार में से एक कम करें तीन, यानी तीन तक, जीरो से लेकर तीन तक। हम इसे फॉर्मूला बना सकते हैं एल इक्वल टू जीरो टू वन टू थ्री डॉट एन माइनस वन तक। एक एग्जाम्पल देते हैं पहले इसी का कि यदि एन बराबर तीन है तो एल बराबर क्या होगा, एल की कौन कौन से संभावित मान होंगे, एल बराबर होगा जीरो वन टू, क्यों क्योंकि थ्री मतलब एल माइनस वन, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। एल का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला जीरो से एन माइनस वन तक, तो जीरो से लेके हमने टू तक मिला। ये हमारे एल के संभावित मान है। ये मान उपकोष की प्रकृति आकृति पर निर्भर करते हैं, उपकोष पर निर्भर करते हैं, उपकोष को ही प्रदर्शित करते हैं एल के मान। कैसे, यदि एल बराबर जीरो है तो हम यहाँ पे लिख लें उपकोष को हम सब सेल भी कहते हैं, सब सेल, और यहाँ एल का मान। यदि एल बराबर जीरो वन टू थ्री संभव है तो सब सेल कौन सा होगा हमारा, तो सब सेल हमारा होगा यदि एल बराबर जीरो है तो एस उपकोष होगा, एल बराबर एक होने पर पी और एल बराबर दो होने पर डी और एल बराबर थ्री होने पर, एल बराबर थ्री होने पर हम एफ उपकोष लेंगे। इसका यह आशय हुआ कि एस उपकोष के लिए एल का मान जीरो, पी उपकोष के लिए वन, डी उपकोष के लिए दो और एफ उपकोष के लिए तीन होता है। हम सीधे भी जान सकते हैं कि ऐसे लिखा है कि वन एस टू के लिए एल का मान होता है तो एस उपकोष एस के लिए जीरो। अगर कहीं लिखा है टू पी थ्री के लिए एल का मान बताएं तो हम पी होने की खातिर क्या लिख देंगे, पी होने की वजह से क्या लिख देंगे वन। तो हम देख रहे हैं उनको दो गुणों में करते हैं, जैसे वन एस टू में लिखा होगा तो एल बराबर जीरो बिकॉज यह एस उपकोष है, अगर टू पी थ्री लिखा है तो एल बराबर हम वन लिखेंगे क्योंकि यह पी उपकोष। तो हमने क्या सीखा, एस पी डी एफ के लिए टर्म्स है एल के मान जीरो वन टू थ्री होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि हम एल के कुल मानों की संख्या का क्या आशय है, इसको यहां देख लेते हैं। जब देख सकते हैं कि एल के कुल मानों की संख्या का आशय क्या है, देखिए यदि एन बराबर तीन है तो एल के कुल मान बराबर तीन होंगे, कितने होंगे थ्री। यदि एन बराबर थ्री है तो एल के कुल मान कितने होंगे थ्री, इसका मतलब हुआ कि तीसरे कोष में उपकोषों की संख्या तीन होती है, जैसा कि आधुनिक परमाणु मॉडल में हमने सीखा था किसी कोष में उपकोषों की संख्या उस कोष की क्रम संख्या के बराबर होती है। अब हम क्या सीख रहे हैं, वही बात है, बस हम क्वांटम संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसी मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए एल के कुल मानों की संख्या उसके एन के मान के बराबर ही होती है, एन इक्वल टू थ्री तो एल के कुल मान थ्री। आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको इस एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल को मैच किया है कि एन बराबर थ्री तो एल के कुल मान थ्री, कौन कौन से जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, अर्थात एल बराबर तीन मान हो सकते हैं जीरो वन टू थ्री, यानी तीसरी कक्षा में तीनों को संभव है एस पी डी, जीरो के लिए एस के लिए पी के लिए डी। इस प्रकार हम किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए बिगेंसी क्वांटम संख्या के मान इन सूत्रों का ज्ञात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कौणीय संवेग का निर्धारण
इस एल के मान से ही निर्धारित किया जा सकता है, जिसका सूत्र है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर h / 2 पाई अंडर रूट के अंदर l / l + 1। इस फॉर्मूला की सहायता से इस l के मान को हम रखकर किसी भी उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे s उपकोष के लिए हम जानते हैं l = 0 हमें जानते हैं, तो कोणीय संवेग आएगा 0 क्योंकि l का मान जब 0 रखेंगे तो 0 पर कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारा कोणीय संवेग आएगा s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए 0। अगर हम पी उपकोष के लिए करते हैं तो हमने भी पढ़ा था कि l = 1 होता है, l = 1 होता है, वहां पर अगर हम इस l के स्थान पर 1 रखेंगे तो एक बार रखते देख लो कि पी सबसे पी उपकोष के लिए l = 1 तो कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, संवेग बराबर क्या होगा कि h अपॉन 2 पाई l की वैल्यू अंडर रूट में 1 1 + 1, जो कि हमें कितने आ जाएगी बराबर h अपॉन 2 पाई 1 + 1 का मतलब 2 और 2 = 2 2 = 2, तो ये अंडर रूट में 2 आएगा h अंडर रूट 2 अपॉन 2 पाई, ये लिखा है h अपॉन 2 पाई इनटू अंडर रूट 2। इसी प्रकार d उपकोष के लिए आएगा h / 2 पाई इनटू 2 अंडर रूट 6 और f उपकोष के लिए आएगा h / 5 इनटू अंडर रूट 3। इसको आप l और 3 नंबर के ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार द्विगंसी क्वांटम संख्या l के द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग और उसके उपकोष का ज्ञान होता है। इस प्रकार द्विगंसी क्वांटम संख्या जब उपकोष की हमें जानकारी देती है तो हम उपकोष की आकृति को भी समझ लेते हैं। कैसे, ये हम जानते हैं कि s उपकोष गोलाकार होता है, कैसा होता है गोलाकार होता है। उसी प्रकार p उपकोष कैसा होता है डंबल के आकार का होता है और d उपकोष डबल डंबल के आकार का होता है और इसकी आकृति जटिल है, तो हम उपकोषों की आकृति भी द्विगंसी क्वांटम संख्या के आधार पर सीख पाते हैं कि हमारा अगर l = 0 है तो s उपकोष होगा इसलिए गोलाकार, p उपकोष है तो l = 1 है तो डंबल के आकार का, l = 2 है तो हमारा जो उपकोष होगा वो डबल डंबल डबल के आकार का और अगर f उपकोष है तो उसकी आकृति थोड़ी जटिल होती है। इस प्रकार हम आकृतियों के भी ज्ञान कर पाते हैं द्विगंसी क्वांटम संख्या के आधार पर। अब हम देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, अब हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेते हैं कि सन 1896 में जीवान ने परिचित किया जब स्पेक्ट्रम के स्रोत को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा उन्हें सूक्ष्म पृथक्कृत रेखाओं में विभाजित हो जाती है, यह परिघटना जीवान प्रभाव कहलाती है। इन पृथक्कृत रेखाओं की तरंगदैर्ध्य लगभग समान होती है और उनकी ऊर्जा स्तर भी समान होते हैं। इस प्रकार जीवान ने उपकोष के भीतर कक्षकों की उपस्थिति को प्रस्तावित किया, यानी उन्होंने बताया कि उपकोष के अंदर कक्षक जैसी आकृतियां होती हैं, कक्षक होते हैं और चुंबकीय क्वांटम संख्या इन अतिरिक्त चुंबकीय रेखाओं की उत्पत्ति को ज्ञात कराती है जो स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में लगने पर दिखाई देती है। अतः वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन अभ्र के अंतराकाश में अभिविन्यास का निर्धारण करती है अर्थात कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा जैसा हमने अभी अभी आपको बताई, देखिए इसका परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि यह कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या को लैंडर की इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या द्विगंसी क्वांटम संख्या एल से निर्धारित होती है क्योंकि चुंबकत्व कोणीय संवेग से उत्पन्न होता है, अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है और m के मान इस m के मान l के मान पर निर्भर करते हैं, जिस पर l के मान पर निर्भर करते हैं। अतः m बराबर कोई अगर हमें l का मान दिया गया है तो m बराबर -l से 0 से +l तक
अर्थात कैसे कि माइनस एम बराबर माइनस एल डॉट ऑफ जीरो प्लस एल तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखते हैं। एम के कुल मानों की संख्या भी एल के मान पर निर्भर करती है, तो एम के कुल मान का फॉर्मूला होता है एम के कुल मान बराबर टू एल प्लस वन। चूंकि एम के कुल मान हम एन के सापेक्ष भी याद कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं कि किसी कोर्स में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, अर्थात किसी एन के लिए एम के कुल मानों की संख्या कितनी होगी एन स्क्वायर, कितनी एन स्क्वायर। इसके आधार पर देखिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि यदि एन बराबर वन है, एन बराबर वन है तो हम एन बराबर कितना लिखेंगे। देखिए एन बराबर वन के लिए एल बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए हमने टॉपिक में पढ़ा दिगंत सी क्वांटम संख्या एन के मान पर निर्भर करती है, तो एन बराबर वन तो एल बराबर जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, तो फिर जीरो से लेकर एन माइनस वन, वन से माइनस वन बराबर जीरो, तो एल इक्वल टू जीरो। यानी कि पहली कक्षा में केवल एक उपकोष हुआ जिसे एस कहते हैं, उस एल बराबर जीरो के लिए हमारा एन का मान भी माइनस जीरो से प्लस जीरो तक क्या हो जीरो से जीरो हो गया जीरो। इसी प्रकार यदि हम एन बराबर दो लिखते हैं तो एल के दो मान संभव है, एल के कितने मान संभव है तो हम एल बराबर लिखेंगे जीरो भी है और वन भी है। इस प्रकार से मिल एन बराबर दो के लिए नीचे लिखा हुआ है, एन बराबर दो के लिए एन बराबर जीरो भी संभव है और वन भी संभव है, और जीरो के लिए एन बराबर जीरो, लेकिन वन के लिए एन बराबर माइनस वन जीरो प्लस। ये बताना चाहता था मैं आपको कि यदि एल बराबर एक है तो एन बराबर माइनस वन जीरो प्लस वन होगा, माइनस वन जीरो प्लस वन होगा। इसी प्रकार यदि हम एन बराबर तीन के लिए करना चाहें, इसके लिए करना चाहें एन बराबर तीन के लिए, तो फिर एन बराबर तीन के लिए आप देखना कि एन बराबर यहां पर हमने एक लाइन खींची है, यहाँ एल के मान लिखेंगे कितने हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है और टू हो सकता है। ये एस उपकोष को दिखाएगा, ये पी को दिखाएगा, ये जी उपकोष को दिखाएगा, तो हम जानते हैं कि एस उपकोष में केवल एक अच्छा होता है, एम बराबर सिर्फ जीरो होगा, इसमें एम बराबर माइनस वन जीरो प्लस वन होगा, और इसमें एम बराबर कितना होगा माइनस दो माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू बढ़ते हुए क्रम है। इस प्रकार एम के मान हम क्या कर सकते हैं। अब ये मान एम के कक्षकों को निर्धारित करते हैं कैसे, यहां से देखें एम बराबर जीरो है तो एस उपकोष है, एल बराबर वन पर पी उपकोष और एल बराबर दो पर डी उपकोष है, क्योंकि एस उपकोष केवल एक कक्षक से निर्मित होता है, एक मान लगाया है हमका ये एस कक्षक के लिए एम की वैल्यू जीरो है जो एस कक्षक में दोनों निर्मित होते हैं। पी उपकोष के लिए एम की वैल्यू तीन आई है, पी उपकोष है रिकॉर्ड, पी उपकोष तीन पी कक्षकों से मिलकर बनता है, पहले पी कक्षक के लिए माइनस वन जीरो प्लस वन। इनको हम कक्षक वाइज दिखा देखते हैं कैसे, एन बराबर तीन बड़ा चार मान तो एल बराबर यहाँ एल के मान कितना होगा जीरो होगा वन होगा टू होगा, ओके। अब देखिए इस जीरो के लिए एम का मान जीरो होगा, तो ये एस उपकोष है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एम का मान जीरो। दूसरा ये एल का मान है वन, इसके लिए एम के तीन मान संभव है, क्योंकि यह एस उपकोष है, ये पी उपकोष है और ये डी उपकोष है। यहाँ पर उपकोषों को अंकित करना चाहें एल के जीरो वैल्यू के लिए एस उपकोष होता है, वन के लिए पी और दो के लिए डी उपकोष होता है, ठीक। एक काम करते हैं जो एन और चार के लिए होते हैं और ज्यादा के लिए हो जाएगी एग्जाम्पल में, तो फिर एल की एक वैल्यू और बढ़ेगी, एल बराबर हो जाएगा तीन, कितना हो जाएगा तीन, क्यों जीरो से लेकर के एल माइनस वन तक जीरो वन टू थ्री, और ये हमारा एफ उपकोष होता है। अब देखिए पी उपकोष के लिए एम का मान यानी एल बराबर वन के लिए एम का मान इस फॉर्मूला से माइनस यहां लिखूंगा यहां लिखो माइनस वन जीरो प्लस तीन वैल्यू आपने लिख इस सूत्र की सहायता से एल बराबर वन के लिए एम के तीन मान होंगे माइनस वन जीरो प्लस वन, क्योंकि पी
चक्षुओं से मिलकर ना होता है उन तीनों की चक्षुओं को यहाँ होता है, पहला दूसरा तीसरा। पहले भी कक्षा को हम पी एक्स कहते हैं, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, इनमें इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा घूमने के लिए होता है, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन पी उपोस का, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा पांचवा और छठवा। इस प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एक अच्छा नंबर एक बम अवर्थ, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए एम का मान स्थान है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है, वह बताता है कि कौन से कार्तीय कक्ष में हमारा कक्षक व्यवस्थित है। पी एक्स पे है तो ये एक्स अक्ष पर व्यवस्थित है जिसके लिए वैल्यू माइनस वन है, और इसी प्रकार ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पी वाई में पहुंचा उसके लिए जीरो, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान प्लस वन, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पुनः माइनस वन, और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए फिर जीरो, और ये रहा पांचवा, और छठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा जो लास्ट वाला रहा इसके लिए प्लस वन होता है। इस प्रकार हम क्रम से एम के वन इलेक्ट्रॉन में क्या कर सकते हैं। अब आप देखें टू बी, जब एल बराबर दो आया कितना आया एल बराबर दो, तो एम बराबर आप क्या लिखेंगे, आपने यहां से नियम समझा लें, माइनस दो माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, देखेंगे ये हम एम की वैल्यू ले रहे हैं। तो आप देखिए जब हम पुनः कक्षक बनाएंगे तो आप कितने कक्षक बनाएंगे, पांच में अपने वाला डी है वैल्यू हमारी दो है, इसलिए द्व्युपकोष है, द्व्युपकोष पांच कक्षक से बनता है, पहले कक्षक के लिए माइनस दो, दूसरे कक्षक के लिए माइनस वन, तीसरे के लिए जीरो, चौथे के लिए प्लस वन, पांचवें कक्षक के लिए प्लस टू होगा। इलेक्ट्रॉनों को वहां घूमने के नियम से करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा, कोई कहे कि टू बी के दूसरे टू बी नहीं है ये एल बराबर टू है, कोस तो चौथा है, कोस कौन सा है चौथा, फोर एस है ये फोर पी है ये फोर डी है, ये एल बराबर टू है, और एम बराबर कितना हुआ माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू। इसी प्रकार यदि हम थ्री के लिए देखें एल बराबर तीन के लिए, एल बराबर तीन है इसका मतलब एफ कोस है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। इस प्रकार हम एम के मान एल के मानों से निर्धारित करते हैं, और एल के मान स्मॉल एन मुख्य क्वांटम संख्या के मानों से निर्धारित करते हैं। तो ये हमारे डी एफ के लिए हो गए सात कक्षक, ये डी के लिए, ये पी के लिए, एस के लिए। इस प्रकार हम किसी भी कक्षक में क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें एल के मान पता है। और अब हम देखते हैं एन बराबर चार के लिए कुल एल के कितने मान होंगे, यहाँ एक न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं कि एल बराबर चार के लिए एम के कुल मान कितने हैं, सूत्र से करते हैं, कैसे करते हैं, एम के कुल मान बराबर एन स्क्वायर, ये लिखा था फॉर्मूला, एन बराबर चार है तो ये वैल्यू हो गई सोलह, चार चौकू सोलह, गिन लीजिए आपके एन बराबर चार के कुल आपने कितने कक्षक बनाए, गिन लीजिए सात, एक दो तीन चार के हिसाब से सात, पांच बारह और तीन पंद्रह और एक सोलह, एन बराबर चार के कुल कक्षक कितने आए सोलह, जो विस्तृत रूप में थे और फॉर्मूला से सीधे निकल गए। अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है एन बराबर चार के लिए एन की कुल मानों की संख्या लिखिए, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा के लिख देंगे, और अगर यह भी प्रश्न आता है एन बराबर चार के लिए एम और एम के संभावित मानों को लिखिए, तो आप इस चार के आधार पर आप उत्तर दे पाएंगे। इसी प्रकार अगर यह आ जाए कि थ्री एल बराबर थ्री के लिए एल बराबर थ्री के लिए एम के कुल मान, एम के कुल मान ये सूत्र लगेगा टू एल प्लस वन, लगेगा टू एल प्लस वन, जिसके लिए हम लिखेंगे टू इंटू ये थ्री और प्लस वन, तो ये आएगा आंसर दो दिए छह और एक सात। आप चेक कर लीजिए ये रहा एल बराबर तीन, इसमें सात कक्षक हैं,
देखकर अपने स्वरिकित नोट्स बनाइए, माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर देखिए इस वीडियो